नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो खुलासा में कुंडली टीवी और पंजाब केसरी पर। मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम एक बहुत रोचक टॉपिक के साथ में आपके समक्ष हाजिर हुए हैं और समय समय पर हम बहुत रोचक चीज़ें आपके लिए लाते रहे, आगे भी लाते रहेंगे। खैर, आज हम बात करेंगे, बुध की नीचता समाप्त होने जा रही है और इसके समाप्त होने से किस राशि को प्रॉफिट होगा, किसको लॉसेस होंगे, ये हम देखेंगे। तो आज का हमारा विषय है, बुध की नीचता होगी स्टॉप, कौन सी राशि हिट रहेगी और कौन सी होगी फ्लॉप। आइए बात करते हैं इस बारे में। हम सभी दिन प्रतिदिन जीवन की भागदौड़ बढ़ने से तनाव ने हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी जीवन शैली में जगह बना ली है। आने वाला समय अच्छाई और बुराई दोनों अपने साथ लेकर आता है, पर बेहतर जीवन शैली के लिए, या यूं कहें कि बेहतर जीवन शैली का चुनाव हमें खुद ही करना होता है। सोचिए, अगर मंथ एंड पे आपको यह मालूम चले कि आने वाले महीने की 3 तारीख को या आने वाले पखवाड़े में कौन सा दिन आपके लिए कैसा रहेगा, यह महत्वपूर्ण दिनों की शुभता और अशुभता को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाले कामों का नियोजन कर लिया जाए, या यूं कहें सरल भाषा में कि प्लानिंग कर ली जाए कि आने वाला जो समय है हमारे लिए कैसा है और उसके लिए हम पहले से तैयारी कर लें, तो आप बताइए कि हमारी लाइफस्टाइल कितनी इजी हो जाएगी। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ज्योतिष के अनुसार और ज्योतिष के पंचांग खंड के अनुसार नवग्रहों के राजकुमार बुध सबसे चपल, सबसे चतुर और बुद्धि के स्वामी बुध जो हैं, वो शुक्रवार तारीख 3 मई 2019 को शाम को 5:12 पर अपनी नीचता खत्म करने वाले हैं। यानी कि बुधदेव मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु मंगल की राशि मेष में आ जाएंगे। मतलब ये हुआ कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। और मेष राशि में शनिवार तारीख 18 मई 2019 रात को 11:42 तक वहीं गोचर करेंगे। नवग्रह के राजकुमार बुध दोहरे स्वभाव के ग्रह हैं। शास्त्रानुसार मेष राशि का संबंध अग्नि तत्व से है। जब मंगल और बुध का संबंध बनता है तब द्वंद्व योग बनता है, लेकिन यह संबंध राशियों में आने से है। बुध कई मामलात में बुद्धि को रूल करता है, व्यक्ति कैसा जिएगा और उसको क्या फल की प्राप्ति होगी, यह हमारे लिए वे डिसीजंस पर निर्भर करता है। तो इसलिए बुध हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर ये मैं आपको पहले से ही बता दूं और निश्चित रूप से आपके जीवन में गतिविधियां क्या हैं या क्या होने वाला है, तो आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस बारे में। तो आइए हम इस बारे में जानते हैं कि बुध का गोचर आपके लाइफ में क्या एग्जैक्टली रिजल्ट्स लेके आने वाला है। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ में। मेष यानी एरीज, स्वभाव में वाचलता आएगी, बातों में बहुत सारा समय खराब होगा, दांपत्य संबंध के लिए समय श्रेष्ठ है। सातवीं दृष्टि बुध की पड़ रही है आपके साथ में भाव पे। लाइफ पार्टनर से अनबन भी दूर होगी, सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहेंगे और
मन प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि जरूर होगी। बात करेंगे राशि नंबर दो वृष की। टॉरस, समय आपको अतीत की यादों में ले जाएगा, धन निवेश की योजना फलीभूत होगी। ध्यान रहे कि अहंकार से दूर रहकर सबसे मधुर संबंध बनाएं, फ्रेंड्स के साथ में आउटिंग पर जाएंगे, व्यवहार कुशलता आपकी आपको सफलता दिलाएगी। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन यानी कि जेमिनी की। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे, विरोधियों का नीचा दिखाने का प्रयास भी करेंगे, लोगों से लाभ होगा, समय पक्ष का बना है, मौके हाथ से न जाने दें। दुश्मन भी आपसे परास्त होंगे, एक बात का ध्यान रखें, व्यवहारिक बनकर चलें, क्योंकि आपकी अव्यवहारिकता आपकी आलोचना करवा सकती है। बात करेंगे राशि नंबर चार कर्क यानी कि कैंसर की। बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, बस एक बात का ध्यान रखें, खर्चों को काबू में रखें, पैसे की बचत बहुत जरूरी है और आवश्यक भी है। फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी। बुध आपके दसवें भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहा है, सामाजिक स्तर पर मेलजोल भी बढ़ेंगे आपका, सहकर्मियों को खुश रखने का प्रयास करें, क्योंकि दसवें भाव में बुध का इफेक्ट कहीं ना कहीं ऑफिशियल तौर से आपको परेशान करेगा। बात करेंगे राशि नंबर पांच सिंह यानी कि लियो की। यह समय आपके लिए परीक्षा और चुनौतियों का है, हालांकि नवें भाव में बुध बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस धर्म भाव को अधर्म से न जोड़ दें, बुरी हरकतों से दूर रहें। इस गोचर के कारण आपके लव लाइफ में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, अधर्म से दूर रहकर धर्म का मार्ग अपनाएं, यह बेहतर है आपके लिए। किसी का अहित न सोचें, अन्यथा आपका बुरा होगा। खुद पर काबू रखें और सीधा चलें, कोई टेढ़ा काम नहीं। बात करते हैं छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की। रिश्तों में अहंकार न लाएं, अन्यथा आपकी पर्सनल लाइफ में तो समस्या आएंगी ही आएंगी, आपके सामाजिक जीवन में भी आपकी बुराई हो जाएगी। बुध का आठवें भाव में गोचर जीवन साथी के सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम डालेगा, इसलिए मैरिड लाइफ में कटुता आएगी। जीवन साथी से मधुर संबंध बनाकर रखें, क्योंकि भोग विलासिता के भाव में बुध का गोचर आपको रिलेशनशिप में कटुता जरूर दिला सकता है, अव्यवहारिकता नुकसान देगी, थोड़ा व्यवहारिक बने, प्रोफेशन पर असर भी पड़ेगा। बात करते हैं सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की। बुध का प्रभाव आपके सातवें भाव में है और उसकी दृष्टि आपके लग्न में है, तो आपकी मानसिक उत्तेजना का एक कारण काम वासना भी है, इस बात का ध्यान रखें और बुध इसमें बढ़ोतरी करेगा। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें, निजी जीवन सामान्य रहेगा, समय लाभ के संकेत दे रहा है तो निश्चित लाभ भी होगा, व्यापार में प्रयास आपको सफलता दिलवाएंगे। बात करते हैं आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना त्यागें, खुद में पॉजिटिव बदलाव लाएं, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, लाइफ पार्टनर के साथ में रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा, प्रोफेशन में बड़े लाभ की भी संभावना है, छठा बुध सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट्स देता है। बात करेंगे नवी राशि धनु की। स्वभाव में आपकी उग्रता आ जाएगी, बातचीत में विनम्रता लाएं, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है,
बुध पांचवें भाव में बैठ करके आपके ग्यारहवें भाव को देख रहा है। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि अपनी वाणी के कारण आपको कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए बहुत कंट्रोल रखें बोलने पर। धन योजनाएं जितनी भी आपकी वो फलित हो सकती हैं, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आ सकती है। बात करते हैं दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। लोगों से बातचीत करते रहें जिससे जीवन की मुश्किलें आसान होंगी। चौथे भाव का बुध थोड़ा सा फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम जरूर लेके आता है, साथ ब साथ में कॉमर्शियल एक्टिविटीज को भी मंदा कर देता है। और फैमिली लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो संबंधों में असफलता मिलती है। लव प्रपोजल के लिए समय बहुत अच्छा है, तो लव प्रपोजल अगर देना चाहते हैं तो दे दें, मौका हाथ से मत जाने दें, सफलता जरूर मिलेगी आपको। करियर के क्षेत्र में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा आपको, बस थोड़ा सा संभल कर चलने की मैं आपको सलाह देता हूं, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तीसरा बुध यानी कि तीसरे भाव में बुध का गोचर अहंकार में वृद्धि करता है, तो अपने अहंकार को हद से ज्यादा बाहर न जाने दें, अपने स्वभाव में नरमी लाएं, संबंधों के प्रति प्रेम और आदर की भावना अपने अंदर जागृत करें। बात करते हैं बारहवीं राशि मीन यानी कि पाइसिस की। थोड़ा समय निकालें अपने लिए सोचने के लिए और आपको क्या करना है इसके लिए, तो समय निकालकर भविष्य की प्लानिंग करें। घर परिवार में भी संभल कर रहें, बिजनेस में सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। धन भाव में बुध बैठा है आपके, बहुत फैंटास्टिक वाली कंडीशन रहेगी पैसे को लेके। काम करने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि आपको क्या काम करना है और किस प्लानिंग से काम करना है और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और अपना काम किसी पर आप इम्पोज ना करें, थोपे ना। पैसे के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इसका समय का आप लाभ उठाएं और धन के लिहाज से बहुत बेहतर पोजीशन आपकी रहेगी। अब सभी राशि वालों के लिए एक खास उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि बुध जो है अग्नि तत्व की राशि में आ रहा है, तो इसलिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको तुलसी पर आने वाले बुधवार तुलसी पर एक चमेली के तेल का दीपक करना है संध्या के समय, और एक परिक्रमा भगवान विष्णु का नाम लेते हुए लगा लेनी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या किसी भी विष्णु मंत्र से एक परिक्रमा तुलसी के लगाकर प्रणाम कर लें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको बुध के गोचर के जरूर मिलेंगे। तो मित्रों, आज एस्ट्रो खुलासा में बस इतना ही। हम आगे भी बहुत रोचक टॉपिक लेकर आपसे मिलते रहेंगे। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।